मुझसे बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि सर कॉपी करके पेस्ट करके क्या हम YouTube से पैसा कमा सकते हैं, क्या कोई ऐसा तरीका है कि कॉपी करें पेस्ट करें और पैसा कमाएं? तो देखिए कर तो आप सकते हैं, लेकिन इसके तरीके आपको सीखने पड़ेंगे जो जेन्युइन है, क्योंकि कॉपी पेस्ट करने का भी एक बहुत सही तरीका है यूट्यूब पे जिसको लोग यूज करते हैं और भाई साहब हजारों नहीं लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए यूट्यूब से कमाते हैं। आज मैं बताऊंगा कि आपको ये कॉपी पेस्ट करने का सही तरीका क्या है जिससे आपको ना तो कभी कोई कॉपीराइट स्ट्राइक आएगी ना कभी कोई कॉपीराइट क्लेम आएगा और आपकी वीडियो पे व्यूज भी काफी बढ़िया आएंगे और पैसे भी आप अच्छे कमाओगे। वीडियो इंटरेस्टिंग है लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि ऐसे कॉन्टेंट आपको यहाँ पे मिलते रहते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप स्टडी करते हैं या फिर आप जॉब करते हैं तो आपके पास टाइम नहीं है बहुत ज्यादा रिसर्च करने का कि भैया पूरे दिन हम रिसर्च करें। आपके पास यही है कि भाई आधा घंटे में मेरा कंटेंट का टॉपिक तैयार हो जाए और मैं अपने शूट करके वीडियो बना के डाल दूं। अब यहां पे आता है भाई साहब कॉपी पेस्ट। अब देखिए सिंपल सी बात है, यूट्यूब पर एक चीज तो क्लियर है कि दूसरे का कंटेंट उठा के डाल दिया तो भैया पैसे नहीं कमा सकते, लेकिन आप ये सोचो कि ऐसे हमें डालना ही नहीं है। कॉपी पेस्ट का सही तरीके दो है, दोनों तरीके बता रहा हूं, दूसरा तरीका ज्यादा जबरदस्त है, पहला तरीका भी आपके साथ शेयर करता हूं। पहला तरीका तो यह है कि अगर मान लीजिए आज कोई चीज ट्रेंड में चल रही है, आपको लगता है कि यार ये चीज बहुत ट्रेंड में चल रही है, जैसे फिलहाल अगर बात करें तो एनिमल मूवी आई है तो इस पे बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, तो इसके काफी सारे स्पूफ वगैरह काफी चीजें बन रही है, तो आप क्या कर सकते हैं अगर किसी कॉन्टेंट पे ऐसे ओपिनियन देनी है, किसी कॉन्टेंट के बारे में बात करना है, तो उस कंटेंट का कोई छोटा सा पार्ट या बस फोटो ले लीजिए और उसको जैसे स्क्रीन पे मैं दिखाई दे रहा हूं ऐसे आप दिखाई दीजिए और साइड में लगा के छोटा सा छोटी सी फ्रेम में लगाइए उसको और उस पर अपनी बात कहिए, यानी कि आपका वीडियो में स्टोरी आपका होना चाहिए, एज ए रेफरेंस उसे यूज कर लीजिए, तो इस कंडीशन में वो फेयर यूज हो जाएगा और आपको मोस्टली वीडियोज में आपको कोई कॉपीराइट नहीं मिलेगा और आप पैसे कमा पाओगे। एक तरीका तो ये है। अब जो दूसरा तरीका बता रहा हूं ये बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है, जैसे मान लीजिए जॉब या स्टडी करते हैं, आपका टाइम नहीं है, आपने दिमाग लगाया कि मुझे दो घंटा देना है बस यूट्यूब को और भैया यूट्यूब से पैसा भी जबरदस्त कमाना है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, कैटेगरी चुननी पड़ेगी कि यार मैं इस कैटेगरी में कॉन्टेंट बनाऊंगा, टैक में बनाऊंगा, यूट्यूब टिप्स में बनाऊंगा, फाइनेंस में बनाऊंगा, फेसबुक टिप्स में बनाऊंगा, कुछ में भी आप चुन लीजिए। अब चुन के क्या करिए, इसी कैटेगरी में जो बड़े यूट्यूबर्स है देख लीजिए, चार पांच चुन लीजिए, जैसे पांच यूट्यूबर बड़े हैं मान लो, उन सबको सब्सक्राइब करके रखिए, सब्सक्राइब करके रख लीजिए। अब होगा क्या कि आपके पास पांचों के वीडियो आ जाएंगे, जो भी पांच डालेंगे, बड़े यूट्यूबर ज्यादा वीडियो डालते हैं आपको मिलते रहेंगे। अब गलती क्या होती है कि आपने वीडियो देखा और सेम वैसा ही कॉपी करके बना दिया, अब आपको लगेगा मैंने तो अपनी भाषा में बनाया, अपनी लैंग्वेज में बनाया है तो भैया इसमें क्या है, लेकिन भाई साहब होता क्या है कि आप जो देखते हैं वैसा का वैसा एग्जैक्ट खुद बना देते हैं, तो लोग आपको नीचे लिखेंगे कि भैया तूने फलाने का कॉपी किया है, ढिमके का कॉपी किया है, और आपकी ज्यादा इमेज नहीं बन पाएगी। अब मैं आपको एक सही तरीका बताता हूं, देखिए सिंपल से एक तरीका है कि अगर कोई टॉपिक पे पांच बड़े यूट्यूबर ने वीडियो बनाया तो आपने पांचों वीडियो देख लेने, मान लो पांच पांच मिनट के वीडियो है वो सपोज, तो आपने 25 मिनट में पांचों वीडियो देख लेंगे, अगर 2x की स्पीड में देखेंगे या 1.5x की स्पीड में देखेंगे तो जल्दी भी देख लेंगे, मैं मोटा मोटा 20 मिनट में आपने पांचों वीडियो देख लिए। अब आप जब वीडियो बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, पांचों वीडियो में से थोड़ा 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 चीजें का आइडिया लेंगे, मिक्स करेंगे उसको, मिक्स करके खुद का भी एक आइडिया उसके अंदर ऐड करेंगे और फिर उसके बाद वीडियो बनाएंगे, तो जब आपके पास वो वीडियो बनेगी तो होगा क्या कि वो एक अलग दिखेगी। देखिए कुछ चीजें होती है जो यूनिवर्सल ट्रूथ होती है, जैसे 2+2 तो 4 ही होता है, 2+2 4 होता है, अब कोई भी टीचर पढ़ाएगा इसको 2+2 4 ही पढ़ाएगा, चाहे आप पढ़ाओ या कोई और पढ़ाए, तो उस चीज पे कोई लिखेगा नहीं कि आपने फलाने का कॉपी किया है, क्योंकि 2+2 तो भैया 4 ही होता है, लेकिन बाकी की जो वीडियो की आउटलाइन अगर वो आप सेम टू सेम कॉपी करोगे, सामने वाले का थंबनेल कॉपी करोगे किसी बड़े यूट्यूबर का, उनका टाइटल कॉपी करोगे, तो फिर लोग आपको जरूर लिखेंगे कि आप उसकी कॉपी करते हो और फिर आपकी इमेज नहीं बन पाएगी। तो आप चार पांच वीडियो देखिए, उनसे आइडिया लीजिए, कंबाइंड कीजिए, थोड़ा बहुत खुद का वैल्यू ऐड कीजिए और थंबनेल और टाइटल सबसे डिफरेंस बनाइए, सबसे डिफरेंट बनाइए, तो उससे क्या होगा कि आप कॉपी भी कर लेंगे कंटेंट, आपको ज्यादा रिसर्च भी नहीं करना पड़ेगा, आपका कंटेंट भी बन जाएगा, कोई आपको लिखेगा भी नहीं कि आपको ने भैया कॉपी किया है, और आप खुद की वैल्यू भी ऐड करेंगे और आपकी एक इमेज भी बन जाएगी और आप पैसे कमा पाओगे। मैं गारंटी से कह रहा हूं आज के टाइम में ऐसा बहुत सारे यूट्यूबर कर रहे हैं और काफी अच्छा पैसा कमा रहे हैं। इवन बहुत सारे यूट्यूबर तो क्या करते हैं कि जैसे मान लो बहुत सारे यूट्यूबर ऐसा करते हैं कि भाई साहब बाहर के जो लोग होते हैं अपनी कैटेगरी के, वो इंग्लिश वीडियो देखते हैं चार पांच, फिर ऐसे कंबाइंड करके हिंदी में वीडियो बना देते, तो कोई लिखता भी नहीं इनको कि तुम कॉपी कर रहे हो, क्योंकि उन्होंने खुद का एक वैल्यू ऐड किया है, खुद का थोड़ा सा माइंड लगाया। ऐसे में आप कम टाइम में अच्छा खासा वीडियो बना के पैसा कमा सकते हैं और आपकी जो जॉब और स्टडी चल रही है उनको भी कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पर भी क्लिक कर देना। मिलता हूं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।